गाइस कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छी होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों के दोस्तों यहाँ पर गाइस कार फॉर सेल सिमुलेटर के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस हमने सुबह वाले एपिसोड में यहाँ पर देख लिया था, मैंने सुपरा ऑलमोस्ट सारी सेल कर दी थी, बस मेरे शोरूम पर ना एक सुपरा रह गई थी व्हाइट कलर की, क्योंकि रात हो गई थी दोस्तों, फिर मैं सेल नहीं कर पाया ठीक है। और मैंने निसान GTR भी खरीदी थी और निसान GTR के अंदर कौन सा मॉडल था, क्या था, क्या नहीं, वो मैंने वीडियो में नहीं बताया था, बट आज इस वाले वीडियो में हम बताने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं अपने घर पर ही हूं, मैं अपने वार्डरोब में कपड़े वगैरह चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चल दोस्तों फिलहाल सुबह हो चुकी है, अपना घर का दरवाजा बंद करते हैं हम। कस्टमर भी अपने ऑफिस में आ चुके हैं दोस्तों, कार मार्केट प्लेस भी खुला हुआ है ठीक है। और अपनी निसान GTR भाई ये वाली है जो कि मैंने सुबह वाले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर परचेज की थी, कैसी लग रही है ठीक है, अभी देखेंगे इसका सब कुछ। सबसे पहले सर जी रुक जाइए ज़रा, मैं कूड़ा वगैरह फेंक दूँ शोरूम पर सुबह आने के बाद, ज़रा मैं गाड़ी भी धो दूँ। मैम गाड़ी बहुत चमकती है ये, कभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे, ये देखिए मैम गाड़ी में आपका मुंह तक दिख जाएगा, ये देखिए मैम गाड़ी कितनी चमकती है मैम, ठीक है मैम। चलिए अब दोस्तों मैम से बात करते हैं। 2% डर्टी है, कोई नहीं, 85,000 मैम आप मेरे को इस गाड़ी के 1,00,000 दे दीजिए, 100,000, 10,000, 1,00,000, बस 1,00,000 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सुबह सुबह का माहौल था, लेकर चली गई, लेकर निकल भी गई। चलो दोस्तों निसान GTR आ चुकी है, अभी इसका मॉडल देखते हैं क्या है। 2019 मॉडल है, 5,500-2,000 चली हुई है। और अपने वाली क्या है, 2019 मॉडल है, 5,700 चली हुई है और वो 5,500 चली हुई है बस, और कुछ नहीं है। ABS ड्रिफ्ट के ट्रेसिंग के टर्बो नॉस सब कुछ लगा हुआ है मेरी में, और उसमें क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों, इसमें भी आधी चीज़ें तो भाई लगी हुई हैं। ये मैंने 693 की खरीदी है दोस्तों, और वो ये थोड़ी कम चली हुई है, थोड़ी ज़्यादा चली हुई है। ये कितनी खरीदी थी मैंने, हाँ इसको तो मैंने सस्ता ही खरीदा था भाई, इसको मैंने सस्ता ही खरीदा था, वो महंगी खरीदी है मैंने निसान GTR, बट ये थोड़ी कम भी तो चली हुई है ना, इस हिसाब का भी तो मामला होता है ना दोस्तों। चलो इसको मॉडिफाइड कराता हूँ मैं सबसे पहले, भाई निसान GTR को देखकर नहीं मेरे से सब्र होता। गाड़ी भी तो देखो कितनी तगड़ी है फिर भाई ये। चल भाई मैं क्या कर रहा है, चलो इसको पहले वो करा देते हैं पेंट वगैरह, इस पर कुछ कैंडी टाइप कलर दोस्तों मैं कराना चाहूँगा। रेड करा दूँगी इसको, नहीं रेड अच्छी नहीं लगी, ब्लू मैंने करा रखी है, लाइम ग्रीन करा लेता हूँ, क्या बोलती है पब्लिक। ये सही है, ये कलर भी मस्त लग रहा है दोस्तों गाड़ी का। चलो चल भाई इसके ऊपर क्या कर, ये भी लगा, इसके सस्पेंशन और डाउन कर, लाइट्स इसकी तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कर दे भाई, प्लेट इसकी AK-47 की लगा, AK-47 दोस्तों एकदम मस्त है, और कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट लगी इसके ऊपर, इसके व्हील्स तो काफ़ी तगड़े लगा भाई। वैसे यही सबसे तगड़े व्हील है इसके पास। तो दोस्तों ये गाड़ी भी तुम्हारे भाई ने एकदम तैयार करवा ली, बट ये गाइस ये वाली गाड़ी फॉर सेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शोरूम की शोभा बढ़ाने के लिए है दोस्तों वाली गाड़ी है, ये गाड़ी फॉर सेल नहीं है दोस्तों। दिस इज अनमोल कार लाइक निसान GTR, ठीक है दोस्तों इसको यहाँ पर खड़ी करता हूँ, अपनी निसान GTR को भी पीछे खड़ी करता हूँ है ना, इसी के साथ मस्त मजा आएगा। क्या बात है, तो दोस्तों ये ना गाड़ियाँ सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं तुम्हारे भाई ने जो कि ले रखी हैं। मेरी गाड़ी बड़ी चमकती है दोस्तों, हल्के मत लेना,
भाई साहब ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए ले रखी है मैंने। चलो सही है, साइड से भी चमका दी, इधर से भी चमका दी, पीछे से भी चमका देते हैं दोस्तों गाड़ियों को। क्या बात है भाई, मतलब एकदम मस्त लग रही है दोस्तों। खड़ी होने के बाद भी दो दो GTR खड़ी हैं यहाँ पर, वो एकदम सही सही कलर्स के अंदर। सही हो गया, सही हो गया। चलो अब वो सुपरा भी सेल हो गई, अब मार्केट प्लेस चलते हैं, कुछ देखते हैं वहाँ है क्या कार मार्केट में। तो दोस्तों फाइनली मैं कार मार्केट में यहाँ पर आ चुका हूँ, और कार मार्केट के अंदर तो सब कुछ ठंडा ही पड़ा है सिवाय इस लैम्बो के। और क्या है, और दोस्तों कुछ नहीं है सिवाय इस लैम्बोर्गिनी के, और सही मिल रही। बट ये डैमेज गाड़ी है, ये 10% डैमेज है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5-18 मांग रही है ना इस गाड़ी के, मैं तुझे इस गाड़ी के 4 लाख दूंगा। 4 लाख दोस्तों बिल्कुल सही है इस गाड़ी के लिए अमाउंट। दिस ऑफर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी, 4,40 तेरे लिए। कहाँ इतने 5-8 मांग रही, 244 में गाड़ी इसने दे दी हमें। ठीक है चलो, हमने काफ़ी अच्छी गाड़ी एक दोस्त यहाँ पर परचेज कर ली है। उसके व्हील वगैरह कैसे घटिया हैं, बट भाई मैं ऐसे व्हील में सेल करूँगा, इसे रिपेयर करूँगा ज़्यादा ज़्यादा। भाई ये गाड़ी तो दोस्तों कंट्रोल में भी नहीं आ रही, क्या है ये? ये तो भाई एकदम कूड़ा है दोस्तों, गाड़ी के नाम पर एकदम कूड़ा बना रखा है। चलो भाई हम भी यार क्या कर सकते हैं यार दोस्तों, इस गाड़ी से रिलेटेड तो और भी ज़्यादा डैमेज कर दी भाई मैंने भी। चलो लैम्बोर्गिनी तो भाई काफ़ी कॉमन कार है, ये दोनों गाड़ियाँ रिपेयर हो चुकी है ना, इन दोनों को टो के लिए वहाँ भेजते हैं। चलो भाई सही हो गया, तू रिपेयर होगी तेरे में क्या क्या कमी है, पेंटेड भी तो है ना तू, रिपेयर हो। चल सबसे पहले तो इसको सबसे पहले रिपेयर कराते हैं। और ये ऑडी R8 और ये वाली गाड़ी ना दोस्तों बाहर खड़ी थी ना, इन दोनों को दोस्तों फॉर सेल के लिए डालते हैं। चलिए आ जाइए भाई, ऑडी तेरे पेंटेड भी तो है, ऑडी पेंटेड भी तो है, ये बात दिक्कत भी तो है ना दोस्तों। चलो कोई नहीं यार, फिर गाड़ियों में खर्चा तो देखो करना ही पड़ता है यार गाइज। अब इसका ओरिजिनल पेंट ही करवाना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, कोई नहीं। ओरिजिनल पेंटेड पार्ट दोस्तों फिर ना हट जाते हैं ये। अब देखते हैं ऑडी कितने की दोस्तों हम यहाँ पर सेल कर पाएंगे। इसकी ज़रा स्पेसिफिकेशन से एक बार ना दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखनी होगी। तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हैं 1,17,000 चली हुई, 2017 मॉडल, 2023 मॉडल, 1,17,000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है टैबलेट निकाल लेते हैं, और टैबलेट निकालने के बाद ना अब ऑडी आ रहा है 1,17,000 चली हुई दोस्तों, 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000। वो मेरे हिसाब से दोस्तों ये गाड़ी ना बिल्कुल नीचे ही गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। चले कोई नहीं, यही है, इसको मैं 1 मिलियन की डालूँगा, 9 लाख तक बेच दूँगा। 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, ठीक है ना। और नहीं भाई नहीं, इसके ऊपर ना हम कोई भी ऑडी का फ़ोटो लगा सकते हैं, येलो ऑडी का लगा दो ना, पुट इट ऑन सेल। तो इसको धोते हैं आराम से, काफ़ी यूनिक सा कलर है भाई ऑडी R8 का, बढ़िया कलर है। जो बात है ना भाई, फैक्ट्री बेस्ड कलर सही है, अच्छा है। मैं ना दोस्तों अब की बार ना बताऊँ क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहा इन कार्स के ऊपर, ठीक है ना। ज़्यादा पैसा खर्च करने से ना दोस्तों कोई दिक्कत, वो मतलब पैसा तो तुम एक तरीके से खर्च कर ही रहे हो, ठीक है, बट उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं मिलती है, समझ रहे हो ना तुम। वही चीज़ तुम ऐसे भी कर सकते हो यार दोस्तों, अब तुम इतना पैसा खर्च कर दोगे
तो इसके भी पार्ट्स वगैरह हो गए। चलिए भाई, मैं इस लैम्बो, जैसे ये लैम्बो है ना, अब इसके ऊपर इतना खर्चा करके क्या फायदा होगा? ठीक है, क्या फायदा होगा? बंदा तो भाई जितने में खरीदेगा वो तो उतने में खरीद कर लेकर जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा पैसे तो वो देने नहीं वाला हमें। आराम से जितने पैसे मतलब इस गाड़ी के बनते हैं उतने ही वो बंदा हमें दूसरे यहाँ पर पैसे देगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतरते हैं गाड़ी में से। उतरने के बाद सबसे पहले इसका एड डालता, उसके बाद धोऊंगा। यही है, ये भी 8 तक जाएगी, इसको भी 1 मिलियन की डालता हूँ। 10, 100, 1000, 10000, 1 लाख, वही मिलियन हो गए, ठीक है ना। अब ब्लैक सेल के लिए डाल दी। चलो इसको भी धोता हूँ, और मैं अभी अभी खरीद कर लाया इसको थोड़ी देर पहले ही, बट मुझे लग रहा है कि अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। अब जो व्हील भाई लगे हुए हैं मैं तो उसी व्हील में बेचूंगा, मैं फालतू खर्चा क्यों करूँ? बस मैंने रिपेयर करा लिया, पेंटेड पार्ट्स हटवा दिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई बता, ऑडी की कितने दे रहा है ये? ऑडी 11% डर्टी पड़ी है क्या? 6-12 नहीं, सेल करनी करनी भाई, जो कोई 8 के करीब देगा उसको दूंगा मैं। ऑडी कहाँ से गंदी पड़ी है दोस्तों। नाइस, अब मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से धुल चुकी है भाई, इसको भी अच्छे से धो देता हूँ यार मैं। धोना बहुत ज़रूरी है इन गाड़ियों को यार, जब तक हम अच्छे से धोए ना ना तब तक भाई जो कस्टमर है ना उसकी जेब से भाई पैसा नहीं निकलता है, मैं सच में बता रहा हूँ। मैंने जहाँ तक अभी तक इतना एक्सपीरियंस किया इस गेम के अंदर, कस्टमर की जेब से पैसा ही निकलेगा जब तक भाई तुम ये नहीं करोगे, ठीक है ना। ठीक है मैम आई हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ऑडी की तरफ जाती हैं दोस्तों, फिर हमारी लैम्बो की तरफ जाती हैं, ठीक है। खैर भाई ऑडी की तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर दोस्तों आकर्षित हो रहे हैं, बट लैम्बो की तरफ गई हैं वो, एकदम नहीं बात करेंगे, थोड़ा रुक कर बात करेंगे। हाँ जी बोलिए। $1 मिलियन मैम आपके लिए, 4,77,000 मैम जा सकती हैं, बाहर का रास्ता उधर से है, ठीक है आप जा सकती है। 4,77,000 दे रही है इस गाड़ी के भाई साहब। अभी दोस्तों मैं इस गाड़ी को खरीद कर कितने की लेकर आया, 4,40 की मैंने इसको खरीदी, और इसके ऊपर भी मैंने कुछ यहाँ पर पैसे वगैरह लगाए, और भाई क्या रेट लगा कर गई है मैडम, क्या बोलूँ यार अब मैं इसको। यार ये गाड़ी कितनी ज़्यादा सड़ रही है, इन गाड़ियों को भाई धोना भी बहुत ज़रूरी है वरना इनका पेंट ख़राब हो जाता है दोस्तों, कार्स का यही दिक्कत की बात भी, दोनों गाड़ियों का पेंट भी ख़राब हो जाता है, तो उनको चमका कर रखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर तो कोई आया नहीं, बस कस्टमर इन द ऑफिस बोल रहा है। अच्छा आया आया, एकदम नहीं बात करूँगा, जाकर खड़ा होने दो से, रात का टाइम है शायद से अच्छे प्राइस पर ले जाए दोस्तों ये। चलो देखते हैं रात के टाइम कौन अंधा कस्टमर है। बता भाई, ऑडी इसी के लिए आया, लैम्बो के लिए। 6,30,000, चल तो मेरे को ना इस गाड़ी के 4,40 की खरीदना, 7,00,000 दे, क्या बोलती पब्लिक? 7,00,000, 7,00,000, 7,000, 70,000, 7,00,000 ले गया। 4,40,000 की खरीदी थी और 7,00,000 की बेच दी, ये देखो तुम कितना बड़ा बड़ा गेम होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों, बट ऑडी नहीं बिक पाई यार दोस्तों। ऑडी को भी बेचना तो देखो पड़ेगा ही, किसी अच्छे ग्राहक को ढूंढ कर ऑडी को भी सेल करेंगे, कोई नहीं। 3,60,000 अभी मैं मुनाफे में हूँ, जो कि मैंने मनी स्पेंड फिलहाल अभी कर रखी है, मनी अर्न तो मैंने ज़्यादा कर लिया आज। चलो मज़ा आ गया, आज ऑक्शन है दोस्तों सुबह 11 बजे, एक बार ऑक्शन में भी जाकर देखूंगा, क्या पता हमें तीसरी निशान GTR मिल जाए। यार एक दोस्तों एक और भी तो गाड़ी आती है ना, वो मैंने लोगों की वीडियो में देखी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है वो। हाँ जो गाड़ी बेचने वाली होती है ना उसके आगे, यार ये घटिया लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं। चलो सुबह सुबह सबसे पहले आकर अपनी जो बेचने वाली गाड़ी होती है ना उसको दोस्तों साफ करना चाहिए, क्योंकि पूरी रात भाई वो गंदी हो जाती है खड़ी खड़ी, समझ गए। मैं तो भाई जो गाड़ी बेचने वाली होती है ना सबसे पहले उसी पर ध्यान देता हूँ, उसके बाद करता हूँ जो करता हूँ। चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये गाड़ी को भी तो सेल करना ही है ना, इसको भी करेंगे। चलो सबसे पहले इसी को लेकर चलता हूँ मैं, अरे भाई क्या हो रहा है, इसी को लेकर चलता हूँ और वहाँ पर देख कर आते हैं दोस्तों शोरूम में क्या हो रहा है।
ओ भाई नाइस। चलिए दोस्तों देखते हैं अब कौन सी है ये। ये कोई इस टाइप की गाड़ी है, जीप सी एसयूवी है, ये भी कोई जीप सी गाड़ी है। ये है डॉज चैलेंजर ऑडी Q7, बस यही गाड़ियां हैं। आज वैसे मजा नहीं आया, कल भी कल वाले ऑक्शन में आएंगे, देखेंगे कल वाले ऑक्शन में कुछ है क्या। अबे गाड़ी क्यों नहीं चल रही, गाइस ये गाड़ी मतलब चल नहीं पा रही अच्छे से। पता नहीं अब इसके इंजन में क्या दिक्कत वगैरह है, इसमें मेरा मैं भी क्या कर सकता हूँ। दो दो बुढ़िया आई हुई है, लगता है जुड़वा है दोनों दोस्तों, तो बुढ़ियों में यहाँ पड़ना भाई वो चल रहा होगा पक्का घमासान युद्ध। तो मैम 8 लाख की लोगी क्या गाड़ी, 80, 800, 8000, 80000, 8 लाख ले गई बुढ़िया 8 लाख की भाई, ऑडी R8 ले गई 8 लाख की भाई। अफसोस यार तुम दोनों ऐसे ही रह गए, क्योंकि बुढ़ी ना दोस्तों कंपटीशन में आई थी वो, समझ रहे हो। मैं बताता हूँ ना तुम्हें तो इस गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। पेंटेड है, अरे छोड़ ना पेंटेड हो कुछ भी हम तो बेचेंगे। दोस्तों पेंटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो इस गाड़ी को बेचेंगे हम कितने की कितने की कितने की। कार फॉर सेल भाई, पोर्शे आ चुकी है, इसको मैं 3 लाख के डालता हूँ, 300, 3000, 3000, 3 लाख, ठीक है बढ़िया डाल दी। अब इसको चमकाता हूँ, बंदा पकड़ नहीं पाएगा दोस्तों जब यहाँ गाड़ी चमकती रहती है ना, सोचता है कि भाई बहुत तगड़ी कोई गाड़ी होगी ये, समझ गए। और दोस्तों इसी चीज़ में ना यहाँ पर वो बंदा मार खा जाता है, गाड़ी निकलती है क्या, और वो बंदा सोचता है कैसे क्या कैसे क्या हो गया बेवफा। चलो नाइस बढ़िया, इस गाड़ी को हमने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है क्लीन वगैरह कर दिया। आप सब लोग यहाँ पर देखिए ठीक है। अब मैम देखते हैं इस गाड़ी कितनी देती है, 3 लाख मैम, आई एम थिंकिंग 2-23 1-10 में खरीद रखिए, सही दे रही, 2.5 लाख दे दो मैम, 2.5 लाख दे दो मैम, 1-10 की तो खरीदी थी और 60% पेंटेड थी। ये चश्मे वाली आती है ना अंधी होती है शायद से, इनको दिखता नहीं दोस्तों कुछ अच्छे से। मैंने सारी जो ऐसी वैसी गाड़ियां थी ना सबकी सब सेल कर दी। एक काम कर दो दोस्तों फिलहाल ना घर पर चलता हूँ, कल वाले ऑक्शन में देखेंगे, चल कल फिलहाल भी जाकर सोते हैं, अभी कुछ नहीं आया है शहर के अंदर, मैंने इधर उधर भी देख लिया कुछ नहीं है दोस्तों। या तो ऑक्शन में से कोई लैम्बो वैम्बो खरीद के बेचेंगे भाई। मनियन देखो तुम्हारा भाई कितनी कर रहा है, देख रहे हो मेरे हिसाब से मैं 1 करोड़ रुपए तो बना लूँगा, 10 मिलियन के करीब, 8 मिलियन तो हो चुके हैं अपने पास, 10 मिलियन के करीब दोस्तों मैं यहाँ पर कर लूँगा पैसा। ऑफिस पर चलते हैं, क्या है आज मार्केट प्लेस ओपन है क्या, चलो मार्केट या यहाँ मैं बेफालतू में दोस्तों इतना पैसा खर्च करता हूँ यहाँ पर ट्रैवलिंग के अंदर। ओके बहुत दिन हो गए डॉज चैलेंजर नहीं सेल करी यार, डॉज चैलेंजर सेल करता हूँ। चलो ये तो 23% डैमेज है, 24,000 की दे रही है, नहीं ये 30% है, ये तो कितने की दे रही है, 18,000 की। चलिए एक काम कर 10,000 में ढीली कर, 10,000 सही है इस गाड़ी के लिए, 11 चल तेरी ना मेरी 14 तेरी ना मेरी 15,000 बस, उससे कम ज्यादा नहीं। 15,000 में गाड़ी खरीदी है, इसको मैं देखता हूँ कितने तक बेच पाऊंगा।
देखो भाई, देख रहे हो गाड़ी की हालत क्या हो रही है। चलो अब इसको अच्छे से दोस्त यहाँ पर सबसे पहले रिपेयर वगैरह करा लेते हैं। रिपेयर करानी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, रिपेयर करानी भी तो बहुत ज़रूरी है। चलो आ जा मेरे भाई, इसको गाड़ी को रिपेयर कर। $800 इसकी रिपेयरिंग में लग रहे हैं, क्या बात है। स्किल पॉइंट बड़ा है क्या? एक ही सिंगल स्किल पॉइंट है तो इस पर घंटा करूँगा मैं सिंगल स्किल पॉइंट पे। चलो ये दोनों गाड़ियाँ हो गई, और खैर इस वाली गाड़ी का तो दोस्तों यहाँ पर खैर कुछ हुआ ही नहीं यार। अपना तो कूड़ा उठाने का भी काम रह गया। एक बार ये गाड़ी रिपेयर हो जाए, इसको ना एकदम मस्त तरीके से करके ना देखता हूँ मैं ना एकदम। ये क्या कहते हैं, एक तो मेरा रिमोट भी नहीं चलता यार कभी कभी। ये क्या तुम्हें भी ऐसे मार मोर के रिमोट को चलाना पड़ता है? एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे मार मोर के रिपोर्ट को चलाना रिमोट को बेसिकली चलाना पड़ता है तो। चलो फाइनली ये गाड़ी अपनी इतने में आ गई, बढ़िया। और इसको बैक लेकर चलते हैं, पेंटेड भी तो है ये। अबे भाई चलो नाइस, इंजन तो जीप सी आवाज कर रहा है इसका, ओरिजिनल हो चुकी है गाड़ी। चलो इंजन तो अजीब सी आवाज कर रहा है 200 डॉज चैलेंजर का। विंड डीजल ने चलाई थी अभी इस गाड़ी को दोस्तों, समझ रहे हो तुम। चलो देखते हैं, इस गाड़ी को मैंने खरीदा बहुत सस्ते में ही है। इसको मैंने खरीदा है 15,000 में, 16,020 लगे हैं ठीक है। इसको मैं 50,000 की डालता हूँ, 50,000 की डालते हैं, चमका कर बेचेंगे ना दोस्तों, बढ़िया। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी अपनी सेल करनी चाहिए दोस्तों हमारे शोरूम पर, क्योंकि गरीब लोग भी बेचारे आते हैं जिनको थोड़ी इस टाइप की दोस्तों हमारे कार्स चाहिए होती हैं ठीक है। तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पर दोस्तों सोचना चाहिए, ये नहीं कि सभी हम अमीर अमीरों के बारे में दोस्तों सोचे ठीक है ना, कुछ इस टाइप के लोगों के बारे में सोचो भी। तो 11 ही बजे हैं, चलो इतने में बियर गटका लेता हूँ, इतने यहाँ पर कोई कस्टमर आएगा अभी तो मुझे नहीं लगता। खैर कोई दूसरा पर कस्टमर वगैरह आने वाला है, कस्टमर पता नहीं कब आएगा दोस्तों। कस्टमर जल्दी आ जा मेरे बेटे, आ गई एक मैम आई है, ढकार मत मार बे। देखो मैम 0% है हर चीज़ में, ABS भी है, TCS भी है, नॉस भी लगी हुई है। मैम 30,000 बहुत ज़्यादा कम है इस गाड़ी के, आप मुझे ना इस गाड़ी के 40,000 दे दो मैम, 40,000 में भी बेच दूंगा मैं इसे। यार बेचारी इसकी मुझे शक्ल बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, और मैंने गाड़ी 16,020 ही तो लगे, और ये मुझे चल तू मेरे को 35,000 दे दे इस गाड़ी के, बस तेरी शक्ल मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं तेरे से नेगोशिएबल भी कर रहा हूँ। 35,000 में लेकर चली गई यार। हम दोस्तों छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर भी कितना मुनाफा कमा लेते हैं। तो गाइज यार ये एम्पायर भाई मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा किया भाई, ये एक ही मोटर समझ रहे हो तुम, यहाँ इतनी लग्जरी कार्स खड़ी हैं ठीक है। हम थोड़े गरीब लोगों के लिए भी सोचेंगे और थोड़ी इस टाइप की कार्स भी यहाँ पर सेल किया करेंगे। आप सभी लोगों को इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके जरूर से बताओ, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। भाई लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी जोर से दबा दो ताकि यहां पर आपको दोस्तों आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन ना सबसे पहले मिल सके ठीक है गाइस। बाकी यार मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।